भारत देश में अन्नदाता हमारे किसान भाइयों का आंदोलन चल रहा है। हमारे एपीएमसी के 3 कानून निकले, मोदी सरकार ने 5 जून 2020 को कानून लागू किया है। हमारी एशिया की बहुत बड़ी नवी मुंबई की मंडी है, वास्तव में किराना बाजार से वो इंटरनेशनल मार्केट है। आजू बाजू विश्व से बहुत सारे माल आते हैं। सही माने में हमारी किराना बाजार एपीएमसी के सिर्फ नाम से नियमन से जुड़ी है, क्योंकि हम तो विश्व कक्षा के व्यापार करते हैं। यहाँ पर हमारे पास किसान भाइयों का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, किसान का लीलाव केंद्र नहीं है, इनाम भी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हम ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, क्लीनिंग किया हुआ माल, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया हुआ माल पूरे विश्व में, मुंबई तो मुंबई, सारे मुंबई के आजू बाजू के परिसर, बाजू में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सारे भारतवर्ष में और सारे विदेशों में भी यहाँ से माल जाता है। समय के साथ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशन पे हमारी भारत सरकार जो है, चाहे किसी भी पक्ष की है, वो कानून में बदलाव लाते गए। कानून में जब बदलाव आता है तो सबसे पहले सभी सरकारों ने ग्राहक का अभी तक हित नहीं सोचा है कि ग्राहक के बारे में क्या। आज किसान भाइयों ने इतना बड़ा आंदोलन किया तो ग्राहक की संस्थाएं कहाँ है, ग्राहक क्यों उनको सपोर्ट नहीं कर रही। व्यापारियों में भी 2 मत है, किसान भाइयों में भी 2 मत है। एक किसान कहता है अच्छा है, दूसरा कहता है अच्छा नहीं है। 55 साल से जो नीतियां चली वो चली, उसके अंदर भी बदलाव किया। महाराष्ट्र के अंदर 2010, 2014, 2016 एपीएमसी के नाम पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजनीतिज्ञ ज्यादा से ज्यादा राजनीति खेलते हैं, ग्राहकों के हित की नीति कोई देखते नहीं है। आज एशिया की बड़ी मंडी होने के नाते, इंटरनेशनल मार्केट होने के नाते, हमारे यहाँ करीबन 1 लाख आइटम की सप्लाई है। उसमें आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई है, धान्य से जुड़ी हुई है, फल फलादि, सब्जी, कांदा, बटाटा, ड्राई फ्रूट, तेल, शक्कर, घी, गुड़, चाय, मसाले, बहुत सारी आइटम जुड़ी हुई है। सिर्फ हमें तो मुंबई से, दक्षिण मुंबई से यहाँ लाने के लिए ही कानून लगाया गया है, हमारा कोई वास्ता नहीं है बीएमसी से। आज हमारी जगह की कीमत घट गई, हमारे भाड़े कम हो गए, हमारे गोडाउन आधे खाली हो गए। सरकार से हाथ जोड़ से बोल रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल मार्केट की पॉलिसी बनवा दीजिए। अब वास्तविकता देखिए, 2016 के अंदर एक रिटेल पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार बनाती है, उसके अंदर जितने मॉल हैं, मॉल को एपीएमसी नियमन लागू नहीं है, मथाड़ी 1 लागू नहीं है। अरे भैया, एक राज्य है, वहाँ 2 कानून कैसे चलेंगे? यानी एक राज्य में 2 कानून होने के कारण ये गंभीर परिस्थिति हो चुकी है। और हमारी गंभीर परिस्थिति इसलिए है कि आज हमारे पास सिर्फ मॉडर्नाइज नहीं है, और मॉडर्नाइज ना होने की वजह से बाकी सब सुविधा है पर पुराने ढांचे में है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के हमारे जो बाबू हो, बहुत ही स्लो गति में जाते हैं, बहुत ही ठंडी नीति है, निर्णय लेने में बहुत ही कमजोर है, समय पे निर्णय नहीं लेते, और उसमें हमारे राजनीतिज्ञ भी साथ में जुड़ जाते हैं। ग्राहक का हित का सोचो, किसान को सही दाम मिलना चाहिए, ग्राहक को कम दाम मिलना चाहिए, और व्यापारी लूटना नहीं चाहिए। ये कौन सा तरीका, कहाँ से काम होगा?
आपने विश्व व्यापार का ख्याल किया है? आज सारे विश्व में भारत देश के अंदर सफरजन से लेके बहुत सारी वेजिटेबल, बहुत सारी फले, बहुत सारा ड्राई फ्रूट, बहुत सारे तेजाने मसाले इंपोर्ट हो रहे हैं और माल बिक रहा है। अब आप ये बताइए कि इसके ऊपर APMC देना ये जायज है क्या? किसान का माल है क्या? आपको मार्केट मेंटेन करना है, मार्केट की हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी और मेंटेन करना है, तो उस परिसर के लिए आप मेंटेनेंस चार्ज लीजिए। GST में आपको 5 गुना आवक हो गया हर राज्य को। ये जनता पे बोझ है, जनता की जेब से निकाला हुआ पैसा है, तो आप उसमें से अनुदान दीजिए। APMC नियमन बाहर नहीं तो सारे मंडियों में भी खत्म होना चाहिए। मंडी चलाने के जो पैसे चाहिए वो उनको अनुदान दीजिए। अगर सरकार को अपनी मंडी रखनी है तो या तो फिर जिसकी मंडी है, जिसने व्यापारियों ने पैसे डाले वो उनकी दुकान उनको दे दीजिए। व्यापार तो मुक्त ही अच्छा होता है, जितना व्यापार मुक्त होगा उतना विकास ही विकास होगा। आज नई पीढ़ी आएगी। एक केरला के राज्य के किसान है, बड़े धन संपत्ति संपन्न लोग हैं, खुद की सोसाइटी बना के माल बिक्री करते हैं, केसन केरी बेच रहे हैं। उदाहरण मैं आपको इलायची का देता हूं, बड़ा सा कारोबार है, लाखों किलो ऑक्शन में लाते हैं और माल ऑक्शन में लेने वाले को लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट का लाइसेंस होने के नाते वो माल जब ऑक्शन में बोली बोल कर लेते हैं तो वो किसान की सोसाइटी बेचती है और किसान का माल उनको पहले पेमेंट हो, उनका आपका चेक पास हो गया, बाद में आपके घर तक माल पहुंचाते हैं। तो ये किसान आज वेल एजुकेटेड नहीं है? कुछ किसान हमारे भाइयों जो है वो बड़ी दरिद्र नारायण की अवस्था में है, तो उनकी सहानुभूति के लिए या उनके भले के लिए सोचना चाहिए। मैं किसान का परिवार से, व्यापारी परिवार से भी हूँ, मगर हम तो यही चाहते हैं कि जियो और जीने दो। राजनीतिज्ञ से बड़ी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी राजनीति छोड़िए और ये व्यापार कैसे विकास की गति की ओर बढ़े। सब्सिडी इतनी देनी है तो ये जेब तो ग्राहक की, भारत की जनता पे भारी है, टैक्स कौन भरता है उस पे भारी है, और उस पर निर्णय थोपने वाले कौन? राजनीतिज्ञ। और जिसको मन में आवे वो आंदोलन करे, आंदोलन करना अपना अधिकार है, मगर उस आंदोलन से राष्ट्रीय संपत्ति को कितना नुकसान होने वाला है ये बहुत समझने की बात है। विश्व के व्यापार, विश्व के किसानों की आप अनुकरण कीजिए, सरकार को सिखाइए कि अगर इजराइल में इतनी अच्छी फसल होती है, अमेरिका में होती है, तो यहाँ क्यों नहीं? सबसे बड़ी ऑर्गेनिक की समस्या है, आज कैंसर बहुत फैल चुका है, पेस्टिसाइड्स यूरोप अमेरिका में यूज नहीं है और यहाँ पर यूज है, तो देश की जनता को कैंसर भेंट में मिल रही है। मेरे अन्नदाता किसान भाई क्या कर रहे, ऑर्गेनिक क्यों नहीं कर रहे? तो ये सरकार की भी इतनी फर्ज है कि ग्राहक के हित में ये बात करनी चाहिए। आज मॉडर्नाइज हो चुका है, विश्व के लोगों का ध्यान भारत देश पे है कि ये भारत माता की जमीन सोना उबलती है और हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, छोटी छोटी बातों में अटक जाना नहीं है। आपको MSP चाहिए, क्वालिटी वाइज चाहिए, फिर वो माल सड़ जाता है, उसका दारू बनता है, दारू पीने से नुकसान होता है, तो ये सारी बातें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका भला किसमें है। विकास तब होगा। अपनी राजनीति के लिए विरोध करना, अपनी सत्ता के लिए विरोध करना ये सही नहीं है। ये देश का अगर सही मानो तो भगवान ही चला रहे हैं, ईश्वर ही चला रहा है, कौन चला रहा है ये? तो कृपा करके किसान भाइयों आंदोलन जरूर कीजिए, मगर जहां आपको अन्याय होता है, अन्याय होने वाला है, अन्याय हुआ नहीं है, उसके पहले आंदोलन किया और आंदोलन को राजनीतिज्ञ हैंडल करते हैं,
तो वहां बड़े दुख की बात है। हम जनता जनार्दन की ओर से बोल रहे हैं कि आखिर में हमारी जेब से पैसा जा रहा है, हमारे कड़ी मेहनत के टैक्स के पैसे चले जाते हैं, हमारी कमाई नहीं होती है, उससे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है और टैक्स बिना पगार के हम कलेक्टर बनकर सरकार को भर रहे हैं। सरकार हमें कोई मुआवजा नहीं देती है, हमारी जिंदगी भर की कमाई सरकार को टैक्स के देते हुए भी ना हमारे हमें मेडिकल फ्री है, ना एजुकेशन फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है। और सरकार के संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि राष्ट्र के लिए मुफ्त सेवा करना है, फ्री में सेवा करना है। अगर फ्री में हमें सेवा करना है तो हमें कलेक्टर का दर्जा दीजिए, हम आपके पूरे खुद की मुड़ी लगाते, खुद के पैसे लगाते, खुद की मेहनत, खुद की दुकान, और सरकार को हम GST भर रहे, इनकम टैक्स भर रहे, ढेर सारे टैक्स भर रहे, तो कहीं मुफ्त की सेवा नहीं होती है। फॉरेन में आप देखिए, उनको हॉलीडे होम से लेकर मेडिकल सेंटर से लेकर सारी चीज़ की सुविधा दिया जाता है। इससे किसान को भी सुविधा मिलनी चाहिए, पर ये सारी चीज़ ग्राहक के हित में ध्यान में रख के करना चाहिए। कानून बनता है, बनेंगे और भी बनेंगे, मगर इसमें पहले सुविधा और ग्राहक हित पहले ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही कहता हूँ, और सभी को, राष्ट्र एक है, भारत माता एक है, हम सभी उनके संतान हैं, और हमें भारत माता की जनता का हित देखकर आंदोलन करना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।